हेलो स्टूडेंट्स हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में सीलियन ट्रेड्स के कैरेक्टर स्टडी किए थे और हमने सीलियन ट्रेड्स का एक स्पेशल कैरेक्टर पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी किया था सीलियन ट्रेड के कई तरह के जोइट्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीलियन ट्रेट्स इज बेस्ड ऑन द डोमिनेंस ऑफ दीज जोइट्स हम जो क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं वो हाइमेन द्वारा दिया गया है अकॉर्डिंग टू हाइमेन, फाइलम सीलियन ट्रेटा हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू थ्री क्लासेस ये थ्री क्लासेस किस बेसिस पर हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिनेंस ऑफ जुएट्स तो तीन तरह की क्लासेस हैं हाइड्रोजोआ स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ पहली क्लास है हाइड्रोजोआ हाइड्रो मीनस वाटर जून मीन्स एनिमल हाइड्रोजोआ Hydrozoa या हाइड्रोजुअन जो हैं वो टेक्सोनिक क्लास ऑफ इंडिविजुअली वेरी स्मॉल एंड प्रिडेटरी एनिमल्स हैं ये जो हैं बहुत छोटे और प्रिडेटरी एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर मेराइन होते हैं समुद्री जल में होते हैं लेकिन कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं दे आर चीफली कॉलोनियल यानी कि वो कॉलोनी में रहते हैं निवाही होते हैं लेकिन कुछ जो हैं वो एकल या सोलटरी भी होते हैं यूजली दे आर सिसाइल लेकिन फ्री स्विमिंग फॉर्म्स भी इनमें होते हैं रेडियल सिमेट्री जो है इसमें वो टेट्रामेरस या फिर पॉलीमेरस टाइप की होती है बॉडी वॉल जो है इनमें वो आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म में सेपरेटेड होती है और बीच में एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है जिसे मीजोगलिया कहते हैं निडोसाइज जो है वो एपिडर्मिस में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है उसमें स्टोमेडियम प्रेजेंट नहीं होता है स्केलेटन जो है वो हॉनी पेरिसाक का होता है कुछ फॉर्म्स में जबकि सीनोसार्क जो है वो सिक्रीट करता है स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक स्टोनी स्ट्रक्चर या कोरल फॉर्म करता है कॉलोनीज जो हैं वो पॉलीमॉर्फिक होती हैं यानी कि बहुरूपता दिखाती हैं जिसमें अलग अलग तरह के जूइड्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं जैसे कि गैस्ट्रो जो कि फीडिंग टाइप के होते हैं डेक्टाइलोजुट्स जो कि डिफेंसिव होते हैं और गोनोजुइट्स जो कि रिप्रोडक्टिव टाइप के जुइट्स होते हैं तो इनमें एक से ज़्यादा तरह के जुइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेड्यूसा स्टेट जो है वो इसमें एब्सेंट होती है कुछ कुछ एनिमल्स जो है उनमें मेड्यूसा स्टेज जो है वो एबसेंट होती है क्लास हाइड्रोजोआ में कभी कभी पॉलेप और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट होते हैं और मेड्यूसा जो है वो प्रोवाइडेड होता है विद अ ट्रू मस्कुलर वेलम यानी कि मेड्यूसा जो है वो डॉट होता है उसमें वेलम प्रेजेंट होता है मेनी हाइड्रोजोन्स जो हैं दे एग्जिबिट ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन उनमें ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन होता है रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स या सेक्स सेल्स जो होते हैं वो यूजुअली एक्टोडर्मल होते हैं और एक्सटर्नली डिस्चार्ज होते हैं क्लीवेज जो है इनमें वो होलोब्लास्टिक होती है और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्टरी होती है थ्रू अ लार्वल स्टेज और इस केस में हाइड्रोजोआ का जो लार्वल है वो होता है सीलिएटेड प्लेन्यूला लार्वा हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा ओबीलिया जिसका कॉमन नेम सीफर होता है फाइसेलिया जिसे कॉमनली हम पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर कहते हैं एंड वेलिला जिसे सेल बाय विंड कहते हैं सेकेंड क्लास जो है इसमें वो है स्काइफोजोआ ग्रीक में स्काइफो मीन्स कप एंड जून मीन्स एनिमल तो कप शेप्ड एनिमल्स जो हैं वो स्काइफोजोआ में आते हैं जितने भी एनिमल्स जितने भी सीलेंट्रेट स्काइफोजोआ में आते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन वो सिर्फ समुद्री जल में ही रहते हैं मेड्यूसा स्टेज जो है वो इसमें डोमिनेंट होती है और मेडिसा जो है वो एक रेस्पिडॉट होता है यानी कि उसमें विलम प्रेजेंट नहीं होता है पॉलीप्लॉइड स्टेज जो है वो रिड्यूस्ड होती है या इसमें एब्सेंट होती है मेड्यूसा बहुत बड़ा होता है लार्ज होता है बेल शेप्ड होता है या फिर अम्ब्रेला शेप्ड होता है फ्री स्विमिंग होता है या फिर वो किसी एबोरल स्टॉक से अपने किसी रॉक से अटैच होता है सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो मार्जिनल होते हैं और टेंटेक्यूलोसिस जो होते हैं वो एंडो डर्मल स्टेटोलिट्स के साथ होते हैं माउथ जो है वो सराउंडेड होता है फोर ओरल आर्म्स से मीजोग्लिया इनमें सेलुलर होता है और अमीबोसाइट्स उनमें प्रेजेंट होती हैं निडोसाइट्स जो है वो एपिडर्मिसो में होता है और गैस्ट्रोडर्मल रीजन में भी ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम जो है उसमें स्टोमोडियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है गुनार्स जो हैं वो एंडोडर्मल होते हैं और पॉलीप्लॉइड जनरेशन जो है वो इसमें एबसेंट होती है क्योंकि इसमें सिर्फ मेड्यूसा प्रेजेंट होता है और अगर होती है तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेरी स्मॉल जिसे स्काइफी स्टोमा कहते हैं और ये राइस दे करता है किसको देता है राइस टू द मेड्यूसा कॉल दूस इफायरिया जो कि स्ट्रॉबिलेशन या ट्रांसवर्स फिशन से बनता है और ये एफायरा लार्वा जो है वो अल्टीमेटली सेक्सुअल अडल्ट मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाता है इट ग्रोज इन टू दी सेक्शुअल अडल्ट मेड्यूसा स्काइफोजोआ के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे ओरिलिया जिसे जेलीफिश कहते हैं पेरीफाइला एंड राइजोस्टोमा थर्ड क्लास जो है वो है एंथोजोआ एंथोज मीन्स फ्लार जून मीन्स एनिमल्स यानी कि फ्लावर लाइक एनिमल्स जो हैं वो क्लास एंथोजोआ में आते हैं सारे एनिमल्स जो हैं इस क्लास के दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन सॉलिटरी होते हैं या कोलोनियल हो सकते हैं सीडेंटरी होते हैं अटैच्ड होते हैं या और एक्सक्लूसिवली पोलिफ्लॉइड फॉर्म्स होते हैं मेड्यूसा स्टेज इसमें एबसेंट होता है यानी कि एंथोजोआ क्लास में मेड्यूसा स्टेज एपसेंट है और स्काइफोजोआ जब हमने इससे पहले स्टडी किया था उसमें मेड्यूसा प्रेजेंट था उसमें पॉलीप्लॉइड स्टेज जो है थी वो एबसेंट थी एंथोजोआ में बॉडी जो है वो यूजुअली सिलेंड्रिकल होती है जिसमें सिमिट्री जो है वो या तो हेक्सामेरस होती है या ऑक्टामेरस होती है या फिर पॉलीमेरस भी हो सकती है निडोसाइज जो हैं वो एपिडर्मल होते हैं और गैस्ट्रोडर्मल रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं जो ओरल एंड है बॉडी का वो एक्सपैंडेड होता है रेडियली इनटू एन ओरल डिस्क। माउथ इज ओवल जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है ओरल डिस्क के सेंटर में ये प्रेजेंट होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय अ वर्ल ऑफ टेंटेकल्स। तो माउथ ओवल है ओरल डिस्क के सेंटर में प्रेजेंट है और सराउंडेड है होलोटेंटिकल से तो जो कि एक फ्लावर की तरह दिखते हैं इसलिए इसका नाम जो है वो एंथोजोआ होता है बिकॉज़ इट लुक्स लाइक अ फ्लावर माउथ जो है वो ट्यूबुलर फेरिंग्स में खुलता है जिसे हम स्टोमोडियम कहते हैं और ये स्टोमोडियम जो है वो फिर सिलियंटेरॉन में जाके खुलता है सिलियंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है कंप्लीट या इनकम्प्लीट सेप्टा के थ्रू मीजेंटरीज जो है इसमें वो निमेटोसिस्ट जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं मीजोग्लिया जो है इट कंटेन्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड अमीबॉइड सेल्स स्केलेटन एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकता है एक्जोस्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ये मैसिव कॉरल्स फॉर्म करता है बहुत बड़े बड़े कॉरल्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं नर्वस सिस्टम जो है इसमें वो टिपिकल नर्व नेट का होता है विच इज़ विदाउट अ कंसनट्रेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर अभी नर्व नेट बनना शुरू होता है सीलियन ट्रेट्स में ये अभी बनना शुरू होता है गुनार्स जो हैं वो एंडोडर्मल हो सकते हैं एंड दे डेवलप इन टू मीजेंटरीज राइट सेक्शुअल प्रोडक्ट्स जो हैं यानि जो सेक्सेस जो हैं दे आर डिस्चार्ज इन टू दी सीलियट्रॉन फर्टिलाइजेशन जो है इसमें वो एक्सटर्नल होती है और फर्टिलाइज एग जो है वो डेवलप होता है इंटू अ लारवा नॉन एज दी प्लेन्यूला लार्वा जो कि एक शॉर्ट फ्री लाइफ लीड करता है और उसके बाद सेटल हो जाता है एंड इट डेवलप इन टू दडल्ट एंथोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं गॉर्गोनिया जिसका कॉमन नेम सी फैन है मेट्रीडियम जिसका कॉमन नेम सी एनिमोन है एल्सायोनियम जिसे हम डेड मैनस फिंगर कहते हैं फंजिया जो कि मशरूम कॉरल है पेनाटोला सी पेन या सी फेदर के नाम से जाना जाता है कोरेलियम जो कि रेड कॉरल होता है एस्ट्रिया स्टार कोरल एंड मेड्रीपोरा जिसे स्टैग हॉर्न कोरल भी कहते हैं सो स्टूडेंट्स ये था क्लासिफिकेशन सीलियन ट्रेटा का जो तीन क्लासेस में डिवाइडेड था हाइड्रोजोआ स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिनेंस ऑफ दीज़ दीज्स